नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र महासभा के COP26 सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ये सम्मेलन 31 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस कार्यक्रम की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान कई सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जो कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हर प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को हाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी सराहा था। ऐसे में पीएम मोदी से टेलीफोन बातचीत के दौरान उन्होंने भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का अगुआ बताया था। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक COP26 में इस बार बैठक में ग्लोबल वार्मिंग के स्तर और जलवायु शमन और अनुकूल वित्त से 1.5 डिग्री तक सीमित रहने करने के लिए रोडमैप, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रभावी उपायों को लागू करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 100 करोड़ रुपए हर साल देने के वादे की भी प्रतिबद्धता जैसे विषय सम्मेलन में एजेंडे रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और सियासी मैदान में कूद चुकी हैं। ऐसे में सरकार से लेकर विपक्ष तक चुनाव से पहले एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कई अहम कार्यक्रम करने में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी विजय रथ यात्रा लेकर जनता का भरोसा जीतते में जुटे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अब साफ कर दिया है कि 2022 में वो चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ही लड़ेगी। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचे प्रियंका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा प्रियंका गांधी कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो 2 दिन बाद करीब 50 टिकटों की घोषणा में इस ऐलान पर अमल भी होता दिखेगा। और साथ ही कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने चुनाव और प्रियंका गांधी पर बात करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ बना ली है। उन्होंने लखीमपुर खीरी जैसे हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और इससे पहले उन्होंने उन्नाव, हाथरस और सोनभद्र मामलों में साफ इंसाफ की लड़ाई लड़ी और साफ कर दिया कि वो कहीं भी रुकेंगी नहीं। ऐसे में पीएल पुनिया ने आगे कहा कि प्रियंका ने बेहद ही कम समय में लोगों का विश्वास जीता है। बीते दिनों उन्होंने लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर बातचीत की, जिससे सराहा भी गया। हालांकि आपको बता दें कि आज 1 बजे प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें महिलाओं को 33% टिकट देने के बंटवारे की रणनीति तय होगी और इसके ऐलान की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस बात का ऐलान कर देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा है। आपको बता दें कि सीएम जनपद से सूबे भर में दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीएम 12 बजे बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर किसान डिग्री कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये अभियान बता दें पूरे प्रदेश में 19 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और इसके अलावा 19 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती सौम्य अग्रवाल ने बताया कि बस्ती जिले में मुख्यमंत्री प्रस्तावित कार्यक्रम पर आने वाले हैं और ये कार्यक्रम किसान डिग्री कॉलेज में किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तैयारियां कर रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वहीं कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर सोमवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शब्दबाण चलाई। उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नितिन अग्रवाल की भारी जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए मुख्य विपक्षी दल सपा को चिताया कि इस जीत से 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये भी कहा कि उपाध्यक्ष चुनाव में हार तय होने के बावजूद नरेंद्र सिंह वर्गा को प्रत्याशी बनाकर सपा ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल को बधाई देने के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर यह हमला बोला। ये कहते हुए कि हम 4.5 साल विपक्ष का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हमने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नितिन अग्रवाल के रूप में एक युवा चेहरे को आगे किया जो अनुभवी भी है। ऐसे में सपा को युवा विरोधी बताने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो अपने सदस्यों को नहीं पचा पाती है और तंज किया कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है, हमारे लिए तो पूरा प्रदेश पार्टी है। सपा जब परिवारवादी मंसूबे से ऊपर उठकर व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचेगी तभी उसका भला होगा, वरना आज जो नतीजे आए हैं वो आगे भी इसी तरह से संकेत देते हैं कि आगे आने वाले समय में हम ही जीत कर अपनी सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुबह नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी तैश में आए थे, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष चुनाव का नतीजा मालूम था और 2022 का भी, इसीलिए वो सदन से उठकर चले गए थे। बाद में जब सपा प्रत्याशी हार गए तो कहने लगे कि चुनाव में धांधली हो गई, वैसे ही जैसे पहले उनकी पार्टी ने हार के लिए ईवीएम के को कसूरवार ठहराया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कानपुर में समाजवादी पार्टी को चौंकाने के मूड में है। जी हां, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के परिवार के कुछ सदस्यों को बीजेपी द्वारा अपने खेमे में लाने की किलेबंदी की गई है। सोमवार को आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कानपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर गए। आपको बता दें कि पूर्व सांसद स्वर्गीय हरमोहन सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक रहे हैं और शुरू से लेकर अभी तक उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहा है। यहां तक कि वर्तमान में स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव के पुत्र सुखराम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग सामने आई थी, ठीक उसी प्रकार चौधरी साहब की तीसरी पीढ़ी में भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पूर्व सांसद हरमोहन सिंह सपा के संस्थापक सदस्य थे तो उनके बेटे सपा से ही विधान परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में सुखराम सिंह यादव सपा से राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन अब सांसद जी का बेटा मोहित यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है। ऐसे में पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की गिनती उन लोगों में की जाती थी जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सपा से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह के बेटे बीजेपी की सदस्यता लेते हैं या फिर नहीं। राष्ट्रीय स्वयं संघ की 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग शाखा का शुभारंभ सोमवार सुबह ध्वजारोहण के साथ हुआ। आपको बता दें कि 5 दिवसीय शारीरिक वर्ग में शामिल होने के लिए संघ के 45 प्रांत इकाइयों के करीब 500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच चुके हैं और पहले दिन इन कार्यकर्ताओं को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शारीरिक वर्ग में शामिल होने के लिए मंगलवार को यानी कि आज अयोध्या पहुंचेंगे और वो 2 दिनों तक अयोध्या में प्रवास करने के साथ साथ रामलला का दर्शन कर मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखेंगे और इससे पहले सोमवार को राष्ट्रीय सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शारीरिक वर्ग की शाखा का भी शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में किया गया। हालांकि बारिश की वजह से खुले मैदान की बजाय टेंट के नीचे स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक वर्ग के पहले दिन ध्वजारोहण कर संघ गायन हुआ और परिचय सत्र में सभी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं का परिचय लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि संघ की शारीरिक वर्ग शाखा में शामिल होने पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसपुले और पूर्व सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल सहित कई बड़े पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज वहां पर पहुंच रहे हैं और वो आज और कल वहां पर रहेंगे और शाखा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान देश भर से आए संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संघ के विचार और उनके उद्देश्य की विस्तृत जानकारी भी देंगे। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। जी हां, सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय के संपर्क में है और सभी पहलुओं पर विचार चल रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार का मानना है कि अगर केंद्र टैक्स घटाए तो राज्य को भी घटाना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 4 दिन तक बढ़ने के बाद सोमवार और को थमी रही नहीं पड़ी और इसके अलावा आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं के मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुकी है तो मुंबई में 111 रुपये प्रति लीटर के पार कर चुकी है। ऐसे में मुंबई में डीजल की दरें भी 102.52 रुपये प्रति लीटर पर रही तो जबकि दिल्ली में रविवार की तरह इसकी कीमत 94.57 रुपये रही। ये ठहराव लगातार 4 दिनों तक बढ़ने के बाद आया है जहां पेट्रोल और डीजल दोनों ही कीमतों में 1.40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 12 और 13 अक्टूबर को भी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। मॉनसून जाते जाते एक बार फिर अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई हिस्सों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। यहां बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कुल 35 लोगों की जान जा चुकी है जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर उत्तर भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश जारी है। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने सोमवार के लिए और मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 धाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और साथ ही आज स्कूलों को एक बार फिर से बंद रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में आज सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिली और कुछ इलाकों में जिससे तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में शाम को गरज चमक के साथ काफी बारिश भी हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के डेरा मंडी, एनसीआर के गाजियाबाद, इंद्रपुरम, छपरौला, दादरी, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा के औरंगाबाद और यूपी के सहारनपुर के अलग अलग स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता के साथ रुक रुक कर बारिश हुई थी। T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। जी हां, भारतीय टीम की ओर से सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया गया। ऐसे में ओपनर केएल राहुल और ईशान किशन की धमाकेदार पारी ने हर किसी का दिल जीत लिया। इसी की बदौलत टीम इंडिया बड़े स्कोर का पीछा कर पाई। अंत में ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। साथ ही इंग्लैंड ने भारत को 179 रनों का लक्ष्य दिया था जिसका पीछा करने के लिए केएल राहुल और ईशान किशन उतरे थे। दोनों ओपनर्स ने शुरुआत से ही धुआंधार बैटिंग की और अपनी आईपीएल की फॉर्म को आगे बढ़ाया। ऐसे में केएल राहुल ने शानदार 24 बॉल में 51 रन बनाए जबकि ईशान किशन ने 70 रनों की बड़ी पारी खेली। अंत में भारत को कुछ झटके जरूर लगे लेकिन ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने टीम को स्कोर लाइन के पार पहुंचाया और ऐसे में ऋषभ पंत ने सिर्फ 14 बॉल में 29 रन बनाए और 3 छक्के भी जड़े। अंत में पंत ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अयोध्या में दीप उत्सव के दौरान 9 लाख दिए जलाने का फैसला किया है, जबकि बीजेपी सरकार के लाभार्थियों के घरों में अतिरिक्त 45 लाख दिए जलाए जाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इस साल अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे, पर अब दियों की संख्या बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। आपको बता दें कि दीप उत्सव समारोह दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है, जो इस साल 3 नवम्बर को होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश में के शहरी हिस्सों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अनुमानित 9 लाख लाभार्थी हैं। और प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार दीप उत्सव के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए एक दिया जलाएगी। यहां 9 लाख मिट्टी के दिए शहरी उत्तर प्रदेश में लोगों की ग्रहणी समारोह का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं सरकार राज्य भर में 45 लाख लोगों के घरों में भी मिट्टी के दिए जलाएगी, जिन्हें आवास योजना के तहत घर मिला है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ यात्रा के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जहां उन्होंने ये देखने की इच्छा व्यक्त की कि अयोध्या के साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर भी स्थानीय कुम्हारों द्वारा तैयार मिट्टी के दियों से जगमगाएंगे। बलरामपुर में तराई के पिछड़े जिले को मेडिकल के क्षेत्र में फार्मेसी कॉलेज की बड़ी सौगात मिली है। डॉक्टर ए.के. पांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने फीता काट का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान अयोध्या सांसद ने कहा कि फार्मेसी कॉलेज जिले के मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए एक वरदान बनेगा, और इसके साथ ही फार्मेसी कॉलेज खुलने से जिले के सभी छात्र अभिभावकों को सहूलियत भी मिलने जा रही है। इस उद्घाटन समारोह में राजधानी सहित जिले के तमाम राजनेताओं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदर विकासखंड के लाल नगर गाँव में स्थित है ये फार्मेसी कॉलेज। देखिए, जिस प्रकार से एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, बहुत सारे वांट भी निकाल रखा, पारदर्शी भर्ती हुई, साथ ही साथ जितने हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, जितने भी स्थान ऐसे हैं जिनका पर्यटन की दृष्टि से विकास करना आवश्यक, पूरे उत्तर प्रदेश में मथुरा हो, काशी हो, प्रयाग हो, नैमिषारण्य हो, जो भी स्थान ऐसे हैं, तुलसीपुर हो, उन सारे स्थलों का विकास, अयोध्या हो, हमारा जो क्षेत्र है जनपद बलरामपुर, ये एक महत्वाकांक्षी जनपद है और हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव सबसे ज़्यादा कम है, तो इस विद्यालय के माध्यम से बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समाज की सेवा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हरिद्वार के ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। इसमें विदेशों में मशरूम उत्पादन करने की जानकारी काश्तकारों को दी जाएगी, और ऐसे में 18 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में मशरूम उत्पादों की प्रदर्शनी करने के लिए 40 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही थाईलैंड, मलेशिया और जापान में मशरूम उत्पादनों के नवीनतम तकनीक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर लोगों को लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्यान और प्रसंस्करण विभाग के निदेशक डॉक्टर हेमेंद्र सिंह बवेजा ने बताया कि उद्यान विभाग के तहत जनपदों में कार्य कर रहे 100 से ज्यादा सहायक विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित कर मशरूम विशेषज्ञ बनाए जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड के 20,000 युवाओं को इससे रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मशरूम से किसानों को बैंक लोन में 35% की का लाभ भी दिया जाएगा। हमारा फिलहाल हमने 4 रूम्स लगा रखे हैं और हमारा 1 रूम 2000 बैग्स की कैपेसिटी का है, और इसमें हमारा प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है। अभी हम अपना कंपोस्ट खुद ही प्रिपेयर करते हैं, इसको हम बाहर से पूछे, पर क्वालिटी आप हमारे मशरूम भी देख लेते हैं।
सकते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है हमारा, हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हम और हमसे इसकी तरफ जाना चाहिए हमें, तो हमें कि हम इंडिया अभी तक 1% में भी नहीं आया जो प्रोडक्शन वर्ल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, और चाइना हमारा 86% में वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो कर रहा है, तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, हमारे जो युवक हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और उत्तराखंड में जो पलायन लगातार पलायन 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 के नाम से जो है बहुत बड़ा वर्ड आ चुका है, भी पलायन जो हो रहा है, तो पलायन को रोकने का सबसे बढ़िया साधन जो है मेरे को ये लगता है कि भी मशरूम है। तो हमने इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल 3 दिन का रखा हुआ है, तो इसमें हमारे नौजवान युवकों को, हमारे किसान भाइयों को, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को लगता है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है, एक ही छतरी के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे जो है सारी समस्याओं का समाधान इसमें किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि जो ये मशरूम फेस्टिवल है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, और हमारे उत्तराखंड के लिए अभी हम 7वें नंबर पे हैं कंट्री में, हम प्रोडक्शन में भी बहुत आगे आएंगे, क्वालिटी में भी बहुत आगे आएंगे, और ख़ासतौर से इसकी जो न्यूट्रिटी वैल्यू है उसमें भी जो है हम बहुत ज़्यादा लीड लेंगे, ताकि हम जैसे शिटाके मशरूम की बात हो रही है तो शिटाके मशरूम के बारे में बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, प्रोसेसिंग के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि पेरिशेबल है, खराब भी हो सकती है, तो इसको प्रोसेसिंग में कैसे यूज़ किया जा सकता है। हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के तत्वाधान में श्यामपुर गाजी वाले से तो बालाजी धाम में हिंदू एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोध दानंद गिरी महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी हिंदू संगठनों को एकत्रित होकर अपने हितों के लिए आवाज उठानी होगी। एक बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को विदेशी और इस्लामिक ताकतों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आपको पता है कि दिल्ली बॉर्डर पर एक हिंदू को मार करके मुसलमान ने और उल्टा लटका दिया, कितना बीभत्स कांड है। अभी आपको पश्चिम बंगाल का पता ही है, पश्चिम बंगाल में बुरा हाल है, आप वहाँ पर देखिए आए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और खुलेआम मुसलमान गुंडागर्दी कर रहा है, अर्थात एक तरह जिहाद किया हुआ है। जिहाद माने हर काफिर को हत्या करने का षड्यंत्र जो है उसमें लगा हुआ है। ऐसे में हिंदू की सुरक्षा हो, हिंदू का संरक्षण हो, संवर्धन हो, और सरकार भी हिंदुओं की चिंता करे। लक्सर के कोतवाली थाना पथरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लंबे समय से चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर आरोपियों को लूट और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये बड़ी सफलता हासिल करते हुए इन आरोपियों में से एक आरोपी अभी भी बता दें फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। तो ये लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहाँ पर पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही 5 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास जो लूटा हुआ सामान था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी जो इनका साथी फरार चल रहा है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में पथरी और लक्सर क्षेत्र में काफी चोरी की घटनाएं हुई थी और उसके अतिरिक्त कुछ लूट की घटनाएं भी हुई थी जो पुलिस ने दर्ज की हैं। तो इन केसेस को वर्कआउट करने के लिए काफी समय से थाना लक्सर, थाना पथरी और एसओजी हमारी जो देहात की है तीनों लगे हुए थे। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक गैंग के 5 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग दिन में मोटरसाइकिल से गांव की रैकी करते थे, जो दूर दराज के मकान होते हैं या जो मकान अनअटेंडेड होते हैं उन मकानों के दिन में रैकी करके, और रात में वहां पर ही चोरी की नीयत से घुसते थे और सामान चोरी करके ले जाते थे। अगर इस चोरी के दौरान कोई घर का सदस्य उठ गया या दिन में इनको लगा हो कि घर में कोई नहीं है, रात में पता चला कि घर में कोई आदमी रह रहा है, तो उसको ये बंधक भी बना लेते थे, यानी वो लूट की घटना फिर वहाँ पर हो जाती थी। तो इस गैंग के 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक कबाड़ी भी है जो कबाड़ी का काम करता है, और उसको ही अपना सारा सामान बेचते थे, जो उन सामानों को अलग अलग करके फिर आगे और कस्टमर्स को बेच दिया करता था। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।